हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरपी होम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ खास लेकर आए हुए हैं, वो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हर सर्दी के मौसम में हमें प्रॉब्लम करती करती हैं। जब भी हम सर्दी के मौसम में इसे इस्तेमाल करते हैं, हमें नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे कैसे निपटना है जिससे हमारी ब्यूटी पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े और हम बीमारी से भी बचे रहें, तो चलिए उसी के बारे में हम आपके साथ में जो भी चीज़ें लेकर आए हैं वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पानी को इस तरीके से फ्लेम को ऑन करेंगे और फुल फ्लेम पर लगभग 1 गिलास पानी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें डालेंगे मेथी दाना, जो कि 1 चम्मच मेथी दाना है। मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए हम यहाँ पर मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं और ये भीगा हुआ मेथी दाना है। जो लोग भिगो ना सकें, जल्दी बनानी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी को ज़्यादा उबालना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कलौंजी, ये 1/2 चम्मच कलौंजी जो कि ऑप्शनल है, जिसे दिल करे डालें, जिसे ना पसंद हो वो नहीं भी डाल सकते हैं। और ये 2 चम्मच चाय की पत्ती, जिससे कलर अच्छा आएगा। अब हम इसे 5 मिनट तक बॉईल करते हैं। 5 मिनट हो चुका है, चाय की पत्ती, मेथी और कलौंजी तीनों बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया हुआ है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक बाउल में छन्नी से छान लेते हैं। कितना अच्छा कलर दिख रहा है। मेथी सारी फूल कर इस तरीके से हो जाती है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बहुत तेज गर्म है। अब हम हिना थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते जाएंगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। पूरी 1 कटोरी, बस हमें जितनी थिकनेस अपने बालों के लिए चाहिए उतनी काफ़ी है। इसे पूरी मिला देते हैं। बालों के अकॉर्डिंग हिना का यूज़ करेंगे। जिनके बाल लंबे हैं उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, जिनके कम हैं उनका कम में काम चल जाता है। तो आप अपने बाल के हिसाब से मेहंदी का इस्तेमाल करें। अच्छी तरीके से मिला लेंगे, गांठ ना बाकी कुछ। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 लेमन का इस्तेमाल करेंगे। जिनको डैंड्रफ है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको डैंड्रफ नहीं है उनको आगे डैंड्रफ की शिकायत ना हो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो भी हम डालेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अपने बालों को बहुत अच्छा कलर करिए। मेहंदी का पेस्ट बहुत अच्छा बन चुका है और ये ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हम डालने जा रहे हैं वो है अंडे की जर्दी। सिर्फ अंडे की जर्दी डालेंगे, जो इसका वाइट पार्ट होता है उसे हम अलग कर देंगे। और मेहंदी ठंडी होने पे डालें तो ये ऑमलेट बन जाएगा और खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि कोई गांठ भी ना बचे और अंडा भी इक्वली मिक्स हो जाए। अब आते हैं हम अपने लास्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कत्था। ये भीगा हुआ कत्था है, जिसके पास भीगा हुआ ना हो या सूखा रखा हो तो ये सूखा भी पाउडर फॉर्म में हम इसमें डाल सकते हैं। कत्था हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देता है और जब भी हम मेहंदी लगाते हैं तो वो लंबे टाइम तक बालों में कलर रहता है। जैसे कत्था अगर देखिए वाइट कपड़े पर गिर जाता है तो इसका कलर कितने लंबे टाइम के बाद छूटता है, उसी तरीके से वाइट बाल में भी कत्थे का कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये लंबे टाइम के बाद छूटती है। हिना के साथ मिलकर कत्था बहुत अच्छा काम करता है
उम्मीद करते हैं कि हमारा बनाने का तरीका आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो आप एक बार इसे इस तरीके से बना के अपने बालों पर अप्लाई करिए और हमें बताइए कलर कैसा आया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।